Welcome back to this channel, and in this video we will talk about the case of Mumtaz Ahmed Nasir Khan versus the state of Maharashtra. If you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. The main question in this case revolves around Section 15 of the Juvenile Justice Act. And moving forwards towards the case, we can see that there were two main accused. One was of 17 and a half years old and another one was of 16 and a half years old. So maybe we can name them. One is Ritik and one is Yash. So what happened in this case is that jo Ritik the wo 17 saal ke the, to wo kya karte hain, wo ek 3.5 saal ki bachchi ko kidnap karte hain और फिर उसके खिलाफ वो रैंसम मांगते हैं उसके घर वालों से. रैंसम मांग मतलब फिरौती मांगते हैं उसके घर वालों से, वो भी 3 करोड़ रुपए की, और वो हर दिन बढ़ा बढ़ा के मांगते हैं. और उन्हीं के संग जो यश होते हैं वो कहते हैं वो उनका साथ देते हैं हर काम में, मोस्टली एविडेंस बिठाने के, कि जैसे ही वो उसको किडनैप करते हैं तो जो यश होते हैं, यश आके उसको अलग अलग नंबर के सिम्स प्रोवाइड करते हैं और फोन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो फिरौती की कॉल करते थे. तो ऐसा 3 दिन लगातार चला. उसके बाद 3 दिन बाद पुलिस ने ऋतिक और यश को पकड़ लिया. अब यश के खिलाफ तो मर्डर वगैरह सबके चार्जेस लग गए, और वही चार्जेस लग गए यश के खिलाफ. अब बाद में ये पता चला कि जो ऋतिक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो क्लोरोफॉर्म से लड़की को बेहोश किया 3 साल की, उसके बाद उसको मोबाइल चार्जर से स्ट्रेंगुलेट कर दिया जिससे कि लड़की मर गई. और फिर उसके बाद इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई. लेकिन उसके बीच में आ गया सेक्शन 15 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि ये कहता है कि ए चाइल्ड कैन आल्सो बी ट्राइड एज एन एडल्ट इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड. अब वो कंडीशन क्या होती हैं, देखो इस सेक्शन 15 क्या करता है कि ये जो भी बच्चे होते हैं जिन पे जो भी अक्यूज होते हैं उनको एक सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन से गुजारता है, उनकी मेंटल कैपेसिटी, मेंटल अंडरस्टैंडिंग और इंटेंशन चेक करने के लिए, कि अगर उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो अगर उससे ज़्यादा हुई सो दे कैन बी ट्राइड एज एन एडल्ट, वरना उनको एज एन जुवेनाइल ट्राई किया जाता है कोर्ट के अंदर. तो वापस इस केस में आते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि जो ऋतिक होते हैं उनको एज पर सेक्शन 15 एक एडल्ट मैन ट्राई किया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ उनके साथी जो कि होते हैं यश, जिन्होंने उनकी पूरी हेल्प करी होती है और उन्होंने मर्डर के सीन और सारी एविडेंसेस को हटाने की पूरा काम किया होता है, उनको ट्राई किया जाता है एज इन जुवेनाइल, जबकि अंतर सिर्फ 1.5 साल का है और लगभग वो सारे ही एक्ट में साथ दे रहे थे, लेकिन तब भी उनको ट्राई किया जाता है एज इन जुवेनाइल. तो अब भाई दोनों तरफ से भर भर के अपील आती हैं. ऋतिक की साइड ये कहती है कि इनको भी एज इन जुवेनाइल ट्राई किया जाए, और जो यश की साइड होती है यश की तरफ से गवर्नमेंट पीछे से आती है, वो कहती है कि इनको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाए. तो जो कोर्ट होता है वो ये कहता है कि दोनों सारी अपीलें खारिज की जाती हैं. अब कोर्ट इसलिए सारी अपीलें खारिज करता है क्योंकि जो हमारे यश भाई साहब हैं उनको एज एन जुवेनाइल ट्राई करना सही है. देखिए, क्योंकि एज एन एडल्ट ट्राई करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं. सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग, मोटिव, इंटेंशन, बहुत सारी चीज़ें. और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है एक हीनियस एक्ट. तो जो हमारे ऋतिक भाई साहब हैं उन्होंने तो हीनियस एक्ट करे हुए हैं, उन्होंने किडनैपिंग भी करी, उन्होंने मर्डर भी किया, उन्होंने रैंसम भी मांगा है. लेकिन जो यश हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 201 के तहत एविडेंस मिटाए हैं. तो कोर्ट ये कहता है कि अगर उन्होंने सिर्फ एविडेंस मिटाए हैं तो उनको एज एन एडल्ट मैन ट्राई नहीं किया जा सकता. भले ही उनमें अंडरस्टैंडिंग पैदा भी हुई होगी लेकिन उन्होंने कोई भी हीनियस एक्ट नहीं किया है. तो इसीलिए इस केस में एक इंसान को एज एन एडल्ट ट्राई किया गया था और एक इंसान को एज एन जुवेनाइल ट्राई किया गया था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.